एक तरफ यूपी सरकार किसानों के कर्ज माफी की बात कह रही है, तो वहीं कौशाम्बी में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान परसीपुर बख्तियारा गांव का रहने वाला है। मृतक के लड़के ने बताया कि उनके पिता के ऊपर कई बैंकों का लगभग 5 लाख रुपए कर्ज बाकी था और बैंक का कर्ज अदा न कर पाने से वो डिप्रेशन में थे। मेरे पिताजी 3-4 बैंकों से लोन ले रखे थे, जो ये SBI बैंक, देवीगंज ग्रामीण बैंक, ये सैनी बड़ौदा बैंक अजुआ, और ये सोसाइटी में भी था। तो मतलब खेती होती में लगातार 3-4 साल से घाटा चला आ रहा था, तो जिसके वजह से वो मतलब खेती साथ भी नहीं दे रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। कुछ काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे। आज 1 महीना से काफ़ी, 1-1.5 महीना से काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। आज सुबह जब सो के उठे तो देखे बाग के पेड़ में वो अपने आप को मतलब फांसी लगा लिए थे। वहीं जब इस बारे में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सुबह सैनी थाना पे सूचना प्राप्त हुई कि गांव बख्तियारा गांव के पास एक बाग है, वहां पर एक लगभग 55-60 साल की उम्र होगी, उसने फांसी लगा दी है। तो इसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें बताया गया है कि इनको बैंक से इन्होंने कोई कर्ज लिया था और उसके संबंध में डिप्रेशन में थे और उसी डिप्रेशन में इन्होंने आत्महत्या की है। पंचायतनामा कर दिया गया है और PM के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। किसान के इस फैसले के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक देश में किसानों और मजदूरों की आत्महत्या का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पंजाब केसरी TV के लिए कौशाम्बी से शिवनंदन शाहू की रिपोर्ट।